उधर सोमवार का दिन जामिया में बेहद हंगामेदार रहा। छात्रों ने जामिया वीसी के सामने नारेबाजी की। छात्रों की मांग थी कि दिल्ली पुलिस पर एक्शन लिया जाए। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जामिया में हुई पुलिस कार्रवाई की जांच करने वाली है। सोमवार को जामिया के दरवाजे खुले तो पढ़ाई के लिए, लेकिन छात्र क्लास में बैठने के मूड में नहीं थे। करीब एक महीने बाद दिल्ली की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह प्रदर्शन ही दिखा। जामिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुए बवाल और मारपीट को लेकर छात्रों ने पुलिस पर FIR की मांग करते हुए वाइस चांसलर दफ्तर का घेराव किया, जिसके बाद VC ने छात्रों को समझाने की लाख कोशिशें की और न्यायालय की चौखट तक जाने की बात कही। आप लोग प्लीज, आप पूरा तो सुनिए, आधी बात तक बोलने लगते हैं। हम हैं जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉय हैं, भेजा है उसको, और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। जामिया प्रशासन को इल्म था कि कार्रवाई के बिना छात्रों का गुस्सा शांत होने वाला नहीं, लिहाजा प्रशासन दिल्ली पुलिस के खिलाफ कानूनी रूप से मामले को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तैद है। विश्वविद्यालय ने SHO जामिया को अपनी शिकायत दी। शिकायत की कॉपी CP दिल्ली और DCP साउथ ईस्ट को दे दी गई। इससे पहले भी विश्वविद्यालय FIR दर्ज करवाने के लिए DCP साउथ ईस्ट को पत्र लिख चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने खिलाफ दायर FIR को स्वीकार नहीं कर रही। लिहाजा जामिया प्रशासन ने कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली पुलिस के खिलाफ आगे कार्रवाई के बारे में फैसला होना है। ये बैठक शाम 4 बजे होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष भी गुहार लगाई थी। आज NHRC की एक टीम विश्वविद्यालय का दौरा कर जांच करेगी। ये टीम जख्मी छात्रों से मिलकर उनके बयान दर्ज करेगी। इससे पहले भी NHRC की एक टीम विश्वविद्यालय का दौरा कर चुकी है, जिसे प्रशासन ने हिंसा के सबूत सौंपे थे। 15 तारीख की रात जामिया के कैंपस में हुई पुलिस कार्रवाई को एक महीना होने को, लेकिन अब तक जामिया हिंसा पर पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे छात्र गुस्से में। टीम न्यूज़ नेशन।